सो गाइज, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लासेस जो किए थे उसका कंप्लीट रिवीजन देखेंगे इसमें, राइट। तो हम आपको सबसे पहले कि बताए थे वो आप लोग बताइए कि नॉर्मल अकाउंट्स के फादर कौन हैं। तो अकाउंट्स के फादर जो हैं फरा लुका स्पेसियोली हैं, राइट। और उसके बाद नॉर्मली जो बुक लिखे थे वो बुक का नाम क्या है, सुमा डी अरिथमेट्रिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटी, राइट। उस बुक में उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज। नॉर्मली हुआ वो बुक को ऑथेंटिकेट बुक माना गया डबल एंट्री बुक कीपिंग का और डबल एंट्री सिस्टम का। नॉर्मली डबल एंट्री बुक कीपिंग के ही अंदर उन्होंने हर एक ट्रांजेक्शन्स को दो तरीका से लिखने को कहा, राइट। ट्रांजेक्शन यानी कोई भी ट्रांजेक्शन, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जब आप सेल्स एंड परचेस करते हो तो उसके क्या हो, दो साइड होते हैं, एक क्या होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है क्रेडिट। तो उसके बाद हम लोग देखे थे नॉर्मली कि डेबिट वर्ड्स की ओरिजिन किस वर्ड से हुई है, क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, राइट। डेबिट वर्ड्स की उत्पत्ति हुई थी डेबिटम से, और उसका मीनिंग क्या होता है ड्यू फ्रॉम दैट, दैट मीन्स वी नीड टू रिसीव समथिंग फ्रॉम अदर्स, उसका वो हुआ क्या हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, राइट। और यू कैन से रिसीविंग एस्पेक्ट, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं उसको, रिसीविंग एस्पेक्ट। नॉर्मली वो डेबिट के अंदर कौन आते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस, और एसेट्स आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं और लॉसेस आते हैं। वो इस सब का डिटेल हम आपको सेम एज इट इज बोले हैं कि जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे तो वहाँ पे डिटेल करेंगे, राइट। उसके बाद जो है ये क्या है, वो लाइबिलिटी कैपिटल और जो इनकम जो है उससे कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। जबकि वो क्रेडिट बैलेंस होता है, फिर अगेन वही क्वेश्चंस जो उसको हम डिटेल कराएंगे वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कराएंगे। तब तक सिर्फ इतना समझ लीजिए कि उस जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। अब उसके बाद हम लोग देखे थे बुक कीपिंग, राइट। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एट वन प्लेस। मतलब किसी भी बिजनेस का, राइट, जितने भी लेन देन होता है, जितना भी फाइनेंशियल लेन देन होता है यानी वित्तीय लेन देन होती है, उसको जिस बुक में हम लोग व्यवस्थित लिखते हैं वो क्या कहलाता है बुआ, वो आपका बुक कीपिंग कहलाता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, अकाउंट्स, राइट। तो अकाउंट्स में हम लोग क्या देखे थे, नॉर्मली बुक कीपिंग में जितने भी आइटम्स रिकॉर्ड किए गए हैं उसको पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर कोई आइटम, यानी सेल्स है तो सेल्स बुक को अलग, परचेज है तो परचेज बुक को अलग, राइट। सेल्स रिटर्न है तो उसके लिए एक अलग अकाउंट्स बनाना, नहीं राम्स है तो राम्स का अलग से अकाउंट, श्याम है तो श्याम का अलग से अकाउंट, या अगर ट्रिपल सी का अकाउंट बनाना है उसके लिए अलग, कॉग्निजेंट का अकाउंट्स बनाना है उसके लिए अलग आपको बनाना पड़ेगा। और इसमें और कुछ नेम लिए थे जैसे कि एमएनसीज कंपनीज थी बुआ, एक्सेंचर्स का अगर आपको अकाउंट बनाना है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाने होंगे, बायोकॉन का अगर अकाउंट्स बनाना है, बायोकॉन लिमिटेड, तो उसके लिए अलग से। यानी कहने का मतलब हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था का जो अकाउंट्स अलग से आपको ओपन करना, नॉर्मली वो किसके अंदर आता है, अकाउंट्स के अंदर, राइट। उसके बाद आप लोग क्या देखे थे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या कहते थे हम लोग कि नॉर्मली सबसे पहले ये अकाउंटिंग जो प्रोसेस ऑफ क्या है हुआ कि कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्या, समराइजिंग, रिपोर्टिंग टू द बिजनेस ओनर, किस टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में उन्होंने क्या करते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। बेसिकली वो ये देखो, डेटा को जब कलेक्ट करके जो लिखते हैं और उसको जब रिकॉर्ड करते हैं किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, और नॉर्मली समराइज करते हैं तो किस फॉर्मेट में समराइज करते हैं, राइट। अब देखो एनालिसिस कहने का मतलब है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसका जो है रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, राइट। तो जितने भी डेटा है वो नॉर्मली उसको एक जर्नल तैयार की जाते हैं, जर्नल इन द सेंस जितने भी सेल्स हुआ, परचेज हुआ, कोई एक्सपेंसेस अकर्ड है आपके बिजनेस में, उस सब के लिए एक जर्नल एंट्री तैयार की जाती है। और उस जर्नल नॉर्मली हम लोग चैप्टर नंबर 10 में अगेन वही चीज़ है डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग मतलब वो जर्नल, जर्नल के मीडियम से हम सारे भी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। समराइज इन द सेंस लेजर बनाते हैं, उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। और इन केस ऑफ कंपनी तो उसमें बनाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, राइट। तो ये था अपना अकाउंटिंग का। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या देखे थे, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरिकल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एन अकाउंटिंग। हेंस वो इसीलिए क्या हम आपको इसमें एक और चीज़ बताए थे कि
आपके जो बुक है उसका नेम अकाउंटेंसी क्यों पड़ा। देखो कि अगर अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो जो भी है बुक कीपिंग है, आपके अकाउंट्स हैं, आपके अकाउंटिंग है, ये सारे के सारे वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर। हेंस आपके जो बुक का नेम है वो अकाउंटेंसी है। आज के लेक्चर में हुआ बस इतना ही, ये बिकॉज फर्स्ट और सेकंड क्लासेस का जो है रिविजन्स लेक्चर है, और रिमेनिंग जैसे जैसे क्लास आपको आगे बढ़ेगा वो सेम रिविजन्स लेक्चर जो है यूट्यूब पे रहेंगे। नॉर्मली अगर आप CCC इंडिया मतलब YouTube का जो नेम है बुआ वो CCC इंडिया है। अगर आप नॉर्मल YouTube में जाइए CCC इंडिया फाइंड कीजिए, आपको वहाँ पे मिलेंगे, और जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो सभी जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है बुआ आपको YouTube पे हैं अवेलेबल्स होंगे। राइट, सो गाइज स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।